हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी। और मैं हूँ राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिससे कि मैं पहला वीडियो आपको बनाया था, उसमें बताया था कि 12 जोन का HRTC कैसे काम करता है और उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। कंट्रोल वायरिंग विथ मेन वायरिंग, मैं दोनों को बताया था, ठीक है, 12 जोन वाले में। अब आपको बताने जा रहा हूँ 4 HRTC, मतलब सॉरी 4 जोन का जो HRTC होता है उसकी वायरिंग कैसे करनी है और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको दोनों बताऊँगा, ठीक है, वो दोनों चीज़ बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि उसकी वायरिंग और प्रोग्रामिंग कैसे होगी। पहले आपको समझाऊँगा उसकी प्रोग्रामिंग का। तो इसकी प्रोग्रामिंग का, इसमें जो है टेम्परेचर कंट्रोलर लगा है, सिलेक्ट कंपनी का 513A। कौन सा लगा है? सिलेक्ट कंपनी का है। और ये जो है आपका AX है, ठीक है, AX का ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपका, ये जो इसकी इनपुट सप्लाई है वो तो सेम रही है, इनपुट सप्लाई हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनपुट सप्लाई को हम ऑन ऑफ करा सकते हैं बस। अब रही बात इसके SSR वाला पॉइंट, ये है आपका जो है थर्मोकपल वाला इसमें सब में, और ये जो आप जो प्लस माइनस है ये है आपका SSR वाला। अब SSR वाले की जब प्रोग्रामिंग होती है ना, SSR वाला, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोलर में, होता है प्रोफेशनल बैंड, समझ रहे हो, प्रोफेशनल बैंड होता है। उस प्रोफेशनल बैंड में जाके सिर्फ रिले को ऑफ कर दे रहे हैं। पहले अगर जैसे रिले पे है तो रिले को ऑफ कर देना है, और वो रिले को ऑफ करके वहाँ पे क्या करना है, PID मोड में करना है। कौन सा मोड में करना है, हमें वहाँ पे आके PID मोड में करना है, क्या PID मोड में इनको सबको करना पड़ेगा, अगर हमें इसको जो है SSR को कंट्रोल करना है। तो जब तक आप PID मोड में कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका जो है यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोलर आउटपुट नहीं देगा SSR वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद थर्मोकपल वाला आपका वो टेम्परेचर के हिसाब से होता है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे कौन सा थर्मोकपल लगाना है, समझ रहे आप। अक्सर करके जितने भी HRTC होते हैं, चाहे HRTC हो चाहे कुछ भी हो, अगर हीटिंग कंट्रोल सिस्टम कोई भी हो, अगर आप उसमें SSR लगा रहे हैं तो उसमें जो है उस आपका ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसको PID मोड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर आप थर्मोकपल लगा रहे हैं तो थर्मोकपल आपको उसमें जे टाइप का लगाना पड़ेगा। जे टाइप का थर्मोकपल जो होता है उसकी रेटिंग होती है 390 या फिर 400 डिग्री सेल्सियस उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आपको जे के ऐसे करके जो है अलग अलग रेंज के लगाना पड़ेगा। उसको मैं आपको कभी अगली वीडियो में बता दूंगा, जे के और जो भी होते हैं उनका सबकी वैल्यू, उनके वैल्यू के हिसाब से टेम्परेचर सॉरी ये थर्मोकपल यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका वायरिंग इसका, हम अभी ये 4 टेम्परेचर कंट्रोलर है, अगर इसको हम डायरेक्ट करते हैं, समझ रहे आप, अगर इस टेम्परेचर कंट्रोलर को हम डायरेक्ट सप्लाई ले जाके देते हैं, जब डायरेक्ट सप्लाई ले जाके दे देंगे, बाई चांस हमें इन चारों टेम्परेचर कंट्रोलर में से किसी एक को यूज करना है, बाकी सबको बंद रखना है, तब तो ये तो फालतू ही ऑन रहेंगे, ये टेम्परेचर कंट्रोलर तो बाकी फालतू ऑन रहेंगे, अनेसरी ऑन रहेंगे, तो हमें अनेसरी ऑन नहीं कराना है, उस चीज़ को हमें ऑफ कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनको सबको ऑपरेट कराने के लिए सिर्फ यहाँ पे
220 वोल्ट सप्लाई से लेकर 250 वोल्ट तक सप्लाई यहाँ पे चाहिए इनको ऑपरेट कराने के लिए। ठीक है, और सब में एक एक करके स्विच लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम समझते हैं। पहले थ्री फेज सप्लाई हम लेके आएंगे, पहले करेंगे इसकी जो है थ्री फेज सप्लाई कैसे लेके आएंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर से सप्लाई आ गई और आर वाला फेस, वाई वाला फेस, बी वाला फेस, ये सब बाहर से आपकी केबल लगेगी। ठीक है, ये बाहर से केबल लग जाएगी और ये हो गया। ठीक है, ये केबल आ गई थ्री फेस और वन न्यूट्रल की केबल आ गई। अब क्या करना है, ये वाले जो एमसीबी का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, वो न्यूट्रल वाला पॉइंट उठा के सबको करना पड़ेगा डायरेक्ट। जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ना, सब में एक एक पॉइंट को लूप करना पड़ेगा, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया, सबको एक एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट से ये डायरेक्ट रहेगा। अब वही चीज़ उठा के हमें कहाँ देना है, अब ये ध्यान से समझिएगा आप, ये चीज़ है, अब ध्यान से समझिएगा। वही चीज़ आपको ये वाला पॉइंट उठा के देना पड़ेगा क्या, कनेक्टर में। जैसे चार हीटर है, समझ रहे हैं, चार हीटर है तो चार हीटर के सामने जो भी आएगा 13, 14, 15, 16 में ले जाके देना पड़ेगा क्या, न्यूट्रल। आपका ये हो गया न्यूट्रल दे दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये जितने हीटर चल रहे हैं ना, ये चारों हीटर, ये न्यूट्रल पे चल रहा है, फेस पे नहीं चल रहा है, ये न्यूट्रल पे चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसकी अब हम इसे ऑन ऑफ कराने के लिए क्या करेंगे, किसी कोई भी एक फेस उठा लेंगे, कोई भी एक फेस उठा लेंगे, मैं यहाँ से रेड फेस उठा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, और यहीं पे लगा देंगे हम जो है एक पुश बटन स्विच, चाहे पुश बटन लगा दें या हम कोई भी एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, ये जो है आपका पुश बटन का या एक स्विच का आपका ये सिंबल है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये ऑन ऑफ होगा। अब जब ये यहाँ से ऑन ऑफ होगा, अब क्या बच गया, अब बच गया आपका ये थर्मोकपल। अब थर्मोकपल वाला क्या करेंगे, थर्मोकपल वाला जो ये दो दो सेंसर है, एक एक थर्मोकपल में दो वायर होता है, तो ये दोनों वायर को ला के हमें क्या करना है, 5, 12, 6, 11, 7, 10 और 8 हमें लगाना है। कैसे लगाना है आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। सॉरी, ये इसमें जाना चाहिए और आपका एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बच गया आपका ये माइनस वाला पॉइंट। अब माइनस वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वाले पॉइंट के लिए वैसे तो साथ में ही रहता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं रहता, ये वायर साथ में ही रहता है। ठीक है, ये वायर आपका, एक वायर में एक लीड में दो रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, दो कर लिया। और इसको भी उठा के ऐसे जो है ना सब में, ये आ गया और इधर आ गया और आपका ये आ गया। ठीक है, इधर प्लस है और इधर आपका ये माइनस है, एक साइड प्लस रहेगा एक साइड माइनस रहेगा। थर्मोकपल के लिए अलग से वायर नहीं लगता है, वो उसी वायर पे इसकी वायरिंग होती है। ठीक है, ये प्लस माइनस करके हो गया।
ये आपका प्लस माइनस करके हो गया ना, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइड प्लस आपका यहाँ माइनस कर दिया और एक साइड आपका यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। अब तो पता चल रहा है ना, एक साइड माइनस कर दिया, एक साइड प्लस कर दिया, एक साइड माइनस कर दिया, ये कितना रहेगा, चार थर्मोकपल में ऐसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो प्लस माइनस है और ये लीड जा रही है, लीड लगती है उसमें, अलग से वायर नहीं लगता, लगाना चाहें तो आप अलग से वायर लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें SSR को ऑन कराना है। जब हमें SSR को ऑन कराना है तो सिंपल सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि आपका जो ये SSR वाला पॉइंट है ना, ये हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये हो गया ना, ये SSR डायरेक्ट रहेगा सब में से, SSR आपका ये सब में से ये डायरेक्ट रहेगा, हो गया SSR का कनेक्शन हो गया। अब SSR को हमें, SSR के जो है जिस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक एक करके यहाँ पे हम लगा देंगे MCB, ठीक है। हमें देना है यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देना है, जब हमें यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा कि आपका ये दो फेज को दो SSR में देंगे और एक फेज को आपका ये दो SSR में देंगे, ठीक है। ये हो गया ना, ये आपका हो गया। अब इसका जो है क्या करना है कि